सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे आउ की मात्रा, आउ से औरत। तो चलिए देखते हैं आउ की मात्रा कैसे लिखता है और उससे क्या कविता है। तो यह है आउ स्वराक्षर आउ और यह है आउ की मात्रा। ओ की मात्रा में हमने देखा था यहाँ ऊपर केवल एक ही रेखा है और आउ में क्या है, दो रेखाएं हैं। यह होती है आउ की मात्रा, आउ स्वराक्षर और यह है आउ की मात्रा। आउ से औरत, आउ से औरत। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। गौरी मौसी, गौरी मौसी, गौरी मौसी, आई आई गौरी मौसी, नया खिलौना गरम कचौड़ी लेकर आई गौरी मौसी। तो यहाँ देखिए आउ की मात्राएं यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, कौन कौन सा है, पिंक कलर में लिखा हुआ है। पिंक कलर में गौरी, गौरी में ग के साथ कौन सी मात्रा लगी है, आउ की मात्रा। और यहाँ मौसी, मौसी में कौन सी मात्रा लगी है, यस आउ की मात्रा। तो पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए गौरी मौसी, गौरी मौसी, आई आई गौरी मौसी, नया खिलौना। तो यहाँ खिलौना, खिलौना में आउ की मात्रा कहाँ लगी है, यस ला में लगी है ना। आउ की मात्रा कहाँ लगी है, ला पर आउ की मात्रा लगी है। यहाँ देखिए ला पर आउ की मात्रा लगी है। तो नया खिलौना गरम कचौड़ी, यह है कचौड़ी, खाने का एक चीज़ होता है कचौड़ी, हमारे इडली के जैसा होता है, बहुत टेस्टी होता है कचौड़ी। तो गरम कचौड़ी लेकर आई गौरी मौसी। तो कचौड़ी कौन लेकर आया, गौरी मौसी। और खिलौना कौन लेकर आया, गौरी मौसी। ये देखिए खिलौने, यहाँ पर एक गेंद है, गुड़िया है और गाड़ी है, है ना, ये सारी खिलौने हैं। और कचौड़ी, ये दोनों कौन लेकर आया, गौरी मौसी। तो हम शब्दार्थ को देखें, शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग्स। मौसी, मौसी मतलब आंटी, लेकर टेकिंग, नया न्यू, गरम हॉट, खिलौना टॉय, कचौड़ी ब्रेड। तो हम एक बार फिर से कविता पढ़ते हैं। गौरी मौसी, गौरी मौसी, गौरी मौसी, आई आई गौरी मौसी, नया खिलौना, नया मतलब न्यू, खिलौना मतलब टॉयस, नया खिलौना गरम कचौड़ी लेकर आई गौरी मौसी। तो पढ़ना आया, यस गुड। तो आपका गृह कार्य है पाठ को 3 बार वाचन कीजिए, पाठ भाग का 3 बार वाचन कीजिए, रीड द लेसन 3 टाइम्स। ओके, तो सब लोग इस पाठ को 3 बार वाचन कीजिए और हम पाठ के अगले भाग के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।